हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुस्तकालाध्यक्ष भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा, पुलिस व एसओजी ने की संयुक्त कार्रवाई, एक अन्य परीक्षार्थी को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से शनिवार को जोधपुर में आयुक्त पुस्तकालाध्यक्ष भर्ती परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस व एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई कर पकड़ा। वो किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह पर परीक्षा दे रहा था। इसके साथ ही एक अन्य परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी को ब्लूटूथ से नकल करते पकड़ा। पुस्तकालाध्यक्ष की भर्ती परीक्षा आज शहर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई। इस बार कोविड-19 के गाइडलाइन के साथ शुरू हुई परीक्षा में पूरी सावधानी बरती गई। परीक्षा में ब्लूटूथ गैंग व फर्जी परीक्षार्थियों के शामिल होने की सूचना पर एसओजी और स्थानीय पुलिस ने सभी परीक्षा केंद्र पर सर्च ऑपरेशन चलाया। एसओजी टीम ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागौरी गेट में एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा। पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव व एसओजी के एएसपी ओम प्रकाश उज्जवल ने बताया कि यहां सिंधरी निवासी अचला राम जाट को पकड़ा। वो हेमागुड़ा गांव झाप निवासी मोहन राम मेघवाल की जगह परीक्षा देने आया था। उसे पूछताछ की जा रही है, ये नकल गिरोह में शामिल था। इधर पुलिस उपायुक्त पश्चिम आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 11 सेक्टर स्थित परीक्षा केंद्र वरुण भारती स्कूल में एक परीक्षार्थी श्री राम विशोई को ब्लूटूथ के माध्यम से नकल करने के संदेह होने पर विषक ने पकड़ा। बाद में इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। इस पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परीक्षा खत्म होने पर उसे पुलिस थाने लेकर आई। इधर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार चंचल वर्मा भी वहां पहुंची। विश्वविद्यालय की ओर से दी गई रिपोर्ट पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने श्री राम विशोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीसीपी ने बताया कि विशोई का किसी नकल करवाने वाले गिरोह से संबंध होने की आशंका है, इसलिए उससे पूछताछ की जा रही है। एक ऑडियो वायरल हो रहा था, पता किया जा रहा है कि उससे विशोई का कोई कनेक्शन है या नहीं। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से जांच की जा रही है। ये हमारे एसओजी मुख्यालय से आज सूचना मिली थी कि संगठित रूप से कुछ माफिया गिरोह मूल प्रार्थी है उसकी जगह डमी प्रार्थी के रूप में बैठा करके और परीक्षाएं दे रहे हैं। हमारे जयपुर मुख्यालय से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री अशोक राठौर साहब के निर्देशानुसार, उनकी सूचना अनुसार हमने भी यहाँ पर जो लोकेशन आई थी एक संदिग्ध की और इस परीक्षा केंद्र पर एक बैठने का जानकारी मिली, जिस पर हमने यहाँ लोकल पुलिस थाना एसएचओ के साथ में तलाशी ली और सत्यापन किया तो एक मोहन लाल सन ऑफ जगमाला राम मेघवाल निवासी हेमागुड़ा पुलिस थाना चित्तलवाना जिला जालोर की जगह पर जो कैंडिडेट उसकी जगह बैठा वह अचला राम मोटा राम निवासी बलखेड़ा पुलिस थाना सिंदरी जिला बाड़मेर बैठा हुआ पाया गया, जिस पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।